तो सुपवा दूसरे चलनिया के क्या बात करेंगे साहब। जब लालू अजय को, लालू यादव जी को सजा होने की बात थी और एक अध्यादेश आया था, किसने फाड़ा था? उसमें पीड़ा नहीं थी, लालू यादव इसलिए कि पिछड़ा का बेटा था, उसमें पता नहीं था फाड़ फाड़ देंगे प्रधानमंत्री वहां और यहां फाड़ दिया, नाटक किया प्रेस के सामने। तो जो गड्ढा खोदा था राहुल गांधी ने, उसी गड्ढे में खुद गिरे। आज बहुत उनको तकलीफ हो रही है, सीना फट रहा है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, कैसे गरीब का बेटा, कैसे पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री है। इसलिए राहुल गांधी ने जो गड्ढा खोदा था उसी में गिर गए वो। भाजपा में चले गए, क्या लगता है नीतीश कुमार? अब कौन में थे? एबीपी ऊपर की, वो जनता दल को किसने तोड़ा था? सर सामने देखते हैं, भाजपा में कौन पहले गया, किसके बल पर रेल मंत्री और मुख्यमंत्री बने रहे? इधर भी सर, इनका कुछ ठीक है? कब कहाँ चले जाएंगे, ये क्या बोलेंगे दूसरे को? कौन टिप्पणी किया गया? जिस तरीके से आप, ये अच्छी बात नहीं थी, पॉलिटिकल मंच नहीं था, मुख्यमंत्री को इन चीजों से बचना चाहिए था। मैंने उनको अन्याय दिखाया कि नहीं दिखाया? सच्चाई जो था, बिहार की तस्वीर को दिखाया कि नहीं? क्या शिक्षा की दशा क्या है? रामलखन वो शिक्षा के प्रचार प्रसार में उस समय जो कोई नहीं सोचने वाला था, सोचा रामलखन वो पूजनीय आदरणीय है, उनको हम प्रणाम करते हैं, और वही तो मंच था। ये मंच पॉलिटिकल नहीं था, पॉलिटिकलाइज कर दिया, पर उनको मैंने आईने दिखा दिया कि आज भी शिक्षा की कमी, शिक्षकों की कमी है, आज भी भवन विहीन है, आज भी आपकी पढ़ाई की व्यवस्था थी। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर बिहार के लोग अपने दो वक्त की रोटी कमाते हैं मुश्किल से, वही काट करके अपने बच्चों को पढ़ाते, क्योंकि यहाँ के शिक्षा पर विश्वास नहीं है। बिहार में जो शिक्षा की गिरावट है उस पर विश्वास नहीं है, चाहे प्राइमरी स्कूल हो या हाई स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, आधा आधा टीचर गायब, खाली है, वैकेंसी है बड़े पैमाने पर, भर नहीं रहे हैं। ये क्या बात करेंगे, ये शिक्षा, शिक्षा जाइए प्राइमरी स्कूल में, आप तो गाँव से आते हो, जाके पता करो कितना बच्चा पढ़ रहा है, जिस गुणवत्ता के साथ पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई हो रहा है क्या? राहुल आपने जो आईने दिखाए थे वही आईने की कोशिश तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? हमको कोशिश करेंगे क्या? कोशिश करेंगे वो हमको क्या आईना दिखाएंगे? खुद वो अपने आप को आईना दिखा रहे हैं। वो कहाँ से आए थे? लोकदल में थे, जनता दल, जनता दल किसने तोड़ा, किसने तोड़ा मैं पूछना चाहता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में आए कि नहीं आए? और पहली दफा जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही तो लालू जी की सरकार बनी थी, ये पता है कि नहीं पता है लोगों को? और ये आज तक इनका जो चेहरा चमका, अब तो उदास हो गए हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने चमकाने की कोशिश किया। राहुल गांधी पे नीतीश कुमार तो सुपवा दूसरे चलनिया के, क्या बात करेंगे साहब? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तो इनका पता रहता? राहुल गांधी ना राहुल गांधी जी से कि कोर्ट ने इनको सजा दिया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी सजा दी है? याद नहीं है राहुल गांधी को कौन गड्ढा खोदना था? जब लालू अजय को, लालू यादव जी को सजा होने की बात थी और एक अध्यादेश आया था, किसने फाड़ा था? उसमें पीड़ा नहीं थी, लालू यादव इसलिए कि पिछड़ा का बेटा था, वो गड्ढा खोदा कौन, हम पूछना चाहते हैं, उसमें पता नहीं था फाड़ फाड़ देंगे प्रधानमंत्री वहां और यहां फाड़ दिया, नाटक किया प्रेस के सामने। तो जो गड्ढा खोदा था राहुल गांधी ने, उसी गड्ढे में खुद गिरे। आज बहुत उनको तकलीफ हो रही है, सत्याग्रह भी कर रही है। और लालू यादव को जब दिखाए थे आईना फाड़ करके, तो उनके लोगों को तकलीफ नहीं। इसलिए राहुल गांधी को, कांग्रेस को, भारत के इतिहास साक्षी है कि ये पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, गरीबों के, दलितों के विरोधी रहे हैं। ये अपमानित कर सकते हैं इनको, है राइट? गाली दीजिएगा पिछड़ों को, गाली दीजिएगा। मोदी जी इसलिए नहीं पच रहे हैं कि मोदी जी एक गरीब का बेटा है और पिछड़े का बेटा है, इसलिए इनको अंदर नहीं समा रहा है, सीना फट रहा है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, कैसे गरीब का बेटा, कैसे पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री है। इसलिए राहुल गांधी ने जो गड्ढा खोदा था उसी में गिर गए वो। भाजपा को खाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस कौन सत्याग्रह भी कर रही है? कौन भाजपा को खाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है? भाजपा उखड़ने वाली है। भाजपा देश के, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के दिल के अंदर प्रवेश कर रही है। भाजपा उखड़ेगी,
तो खड़ रहे हैं क्या, कितने साल से क्या उखाड़ रही है, कह रहे हैं कि अंग्रेजों के साथ शासन कर रहा है। कौन अंग्रेज? अरे अंग्रेज का शासन तो इसने किया, वो इंदिरा गांधी जी का वो इमरजेंसी का काल। ये क्या बोलेंगे, तानाशाह लोग हैं, डेमोक्रेसी को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये डंटा के बल पर रूल करने वाले लोग हैं। किया है, प्रताड़ित हुआ, जनता ने उखाड़ के फेंका था, नहीं फेंका, ये कोई नहीं उखाड़, जनता जब तक है मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये लोग, करते रहे सत्ता, कोई नोटिस लेने वाला है इन लोग को। सर हम लोग सांसद को रिजाइन करके एक साथ आना चाहिए और उसका नेतृत्व नीतीश कुमार करें। कौन मांग कर रहा है? भाई वीरेंद्र ने कहा है, भाई वीरेंद्र राष्ट्रीय जनता दल है।